रहमान रहीम स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ बहिया मॉडल स्कूल PNED मारीपुर। आई एम अक्सनास फ्रॉम प्राइमरी विंग योर मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 8B। इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एरिया। In our previous exercise, we have already learned about the perimeter. So here is the definition of area on your screen. Area is how much space a shape takes up. Area कहते हैं कि कितनी space किसी shape ने cover की हुई है, takes up या takes place, कितनी shape. Area is how much space a shape takes up. एरिया कहते हैं कि किसी भी शेप ने कितनी जगह कवर की हुई है, कितनी जगह घेरी हुई है, उसे एरिया कहा जाएगा। अब इस डेफिनेशन को सुनने के बाद आपको पेरीमीटर और एरिया के बीच में कन्फ्यूजन होगा कि पेरीमीटर के बारे में भी कुछ इसी तरह की डेफिनेशन थी, आप कन्फ्यूज होंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस दैट आर डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। इन डेफिनेशंस के मुताबिक एरिया और पेरीमीटर के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस किस तरह से है, एरिया की डेफिनेशन लिखी है द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ टू डायमेंशनल शेप। कोई भी शेप है, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई कंपोजिट शेप हो, किसी भी तरह की शेप हो, उसकी इनसाइड बाउंड्री यानी कि शेप के इनसाइड अंदर वाले हिस्से का जो स्पेस है, किसी भी शेप ने अंदर जितनी जगह घेरी हुई है, जितनी स्पेस कवर की है, उसे एरिया कहा जाता है। किसी भी शेप के वो सरफेस, वो जगह जो कि किसी शेप ने इनसाइड यानी कि बाउंड्री के अंदर घेरी हुई, उसे एरिया कहते हैं। पेरीमीटर द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड अ टू डायमेंशनल शेप। कोई भी शेप है तो उसका जो डिस्टेंस, उसके जो बाहर का जो लेंथ है, जो उसकी साइड्स की लेंथ है, आउटर साइड पे जो लेंथ बनती है, उसे क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस है, दोबारा सुनिएगा। एरिया कहते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कवर द सरफेस। किसी भी शेप ने जितनी भी स्पेस कवर की है, जितना भी अमाउंट कवर किया है शेप ने अंदर, इनसाइड बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर, उसे एरिया कहा जाएगा। एंड पेरीमीटर द डिस्टेंस अराउंड द फिगर। आपके फिगर के इर्द गिर्द जो डिस्टेंस बनता है आउटर साइड पर, अब आउटर साइड पर हमारी क्या मौजूद होती हैं, किसी भी फिगर की साइड्स मौजूद होती हैं, उसके जो साइड्स का जो सम है उसे क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर मौजूद है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा होगा देखकर कि जो पेरीमीटर है, एक फिगर बनाई गई है, पेरीमीटर में जो रेड लाइन एरोज बनाए गए हैं वो ये शो कर रहे हैं कि पेरीमीटर कहते हैं किसी भी शेप के साइड्स के सम को, यानी कि पेरीमीटर कहते हैं कि कोई भी शेप, जैसे कि यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, दो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है एरिया और एक में लिखा हुआ है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में जो रेड कलर के एरोज हैं वो साइड्स को शो कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि पेरीमीटर जो है साइड्स के सम को शो करती है। जैसा कि हमने पेरीमीटर की एक डेफिनेशन दी और उसको समझा था अभी थोड़ी देर पहले, पेरीमीटर कहते हैं कि फिगर के इर्द गिर्द कितना डिस्टेंस है, यानी कि उसकी आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस किस तरह से, जो उसकी आउटर बाउंड्री पर जो उसकी साइड्स हैं उनका सम क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। इसी तरह से इसके सामने ही एक रेक्टेंगल की फिगर बनी हुई है जिसके अंदर एरिया लिखा हुआ है और एरिया की डेफिनेशन भी बताई गई। एरिया की डेफिनेशन थी द अमाउंट ऑफ अ सरफेस दैट कवर्स द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कवर द सरफेस। एरिया कहते हैं अमाउंट ऑफ सरफेस को, उस सरफेस को जो किसी भी शेप ने कवर की हुई है, उसे एरिया कहा जाता है। अब उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पेरीमीटर फाइंड करना सीख चुके हैं। एक स्क्वायर, रेक्टेंगल और किसी भी कंपोजिट शेप का पेरीमीटर किस तरह फाइंड किया जाता है, उनके फॉर्मूलाज को हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया गया है। अब हम
एरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एरिया का इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब हम एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम आज की क्लास में सीखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह फाइंड किया जाता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा। स्टार्ट लेक्चर नंबर 11। एरिया का जैसे एक्सप्लेनेशन दी गई और उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, एल मल्टीप्लाई बाई बी। पहले पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया गया था, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2L प्लस 2B, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया लेंथ के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया ब्रेथ के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है एरिया जब फाइंड करेंगे तो सिर्फ L को B से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसमें 2 नहीं यूज़ होगा। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल्स है, यूज़ द फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरिया ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अगर एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ 7 सेंटीमीटर है, तो इस रेक्टेंगल का आप एरिया किस तरह फाइंड करेंगे और एरिया का आंसर क्या होगा, फॉर्मूले की मदद से फाइंड करें। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारे पास ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि लेंथ कितनी है, इसके लेंथ का नंबर कितना है 10, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह हम क्या लिखेंगे 7, क्योंकि ब्रेथ किसकी इक्वल है 7 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ के साथ, 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 10 7s are 70, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 10 7s are 70, और यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 70। अब जैसे कि यहाँ पे यूनिट हमें नज़र आ रहा है, यूनिट कितना लिखा हुआ है सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी किस में है सेंटीमीटर में है, तो डेफिनेटली यहाँ आंसर में भी यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा। अब फर्क क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर के साथ हमें स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। 10 का आंसर भी 70 सेंटीमीटर में था और 7 भी किस में था, सेंटीमीटर में था। 10 और 7 यहाँ पर क्या हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इस तरह से सेंटीमीटर के साथ आ गया स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब हमारा आंसर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। इट्स टाइम फॉर बुक वर्क एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 163। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 8B स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें एरिया के बारे में पढ़ा गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी फाइंड करना सिखा दिया गया है, उसका फॉर्मूला बताया गया है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कुछ 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। द क्लोज रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स डैश। कोई भी शेप, उसके जो क्लोज रीजन यानी कि उसका इंटरनल, उसके अंदर वाले जो सरफेस है, उसने जो स्पेस कवर की, उसे क्या कहा जाएगा। इस लाइन का मतलब यही है कि किसी भी शेप का जो क्लोज रीजन है, जो उसके अंदर की सरफेस है, जो ठीक है, जो अंदर का स्पेस कवर किया हुआ, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एरिया। ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में पढ़ चुके थे कि उसे एरिया कहा जाएगा, इंटरनल जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर 2। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो एरिया मालूम करने के लिए, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, जो ऑलरेडी हमने अभी सॉल्व पढ़ा और जिससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व की हमने, तो वो फॉर्मूला क्या था, एल मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह से हमने यूनिट फॉर्मूला सॉल्व किया था, एल मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एल मल्टीप्लाई बाय बी। इफ एल इज वन साइड ऑफ ए स्क्वायर देन इट्स एरिया इज डैश। अगर आप का स्क्वायर का एक साइड जो है वो एल है, यानी कि लेंथ है, जैसे कि हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का एक्चुअली फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा नहीं है, आज की क्लास में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इफ वन साइड इज इक्वल देन इस एरिया इज एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा है, इसी तरह यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर का। इस फॉर्मूले को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। इन अ रेक्टेंगल एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज डैश। अगर उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया का आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जा रही है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने लेक्चर में सॉल्व किया। यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें सेम मेथड के साथ चलना होगा और सॉल्व करना होगा। जैसा कि लेंथ 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ 9 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, यही वैल्यूज थी वहाँ पर। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 आर 36, एंड दोनों सेंटीमीटर्स में हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर एंड देन सेंटीमीटर, तो जब दोनों सेंटीमीटर्स में हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दो cm वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट किस में चेंज हो जाएगा, हमारा स्क्वायर में आ जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36। ठीक है, इसका आंसर आ गया 36। आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करके फिर इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास लास्ट ब्लैंक थी, द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी डैश। अगर हमें एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी एक साइड है 1 सेंटीमीटर, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जब स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि है एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर है, तो हमारे पास एक साइड कितनी है स्क्वायर की, एक साइड है 1 सेंटीमीटर, सो हम एल की जगह 1 लिखेंगे एंड देन ऊपर स्क्वायर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड देन 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ही, 1 मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है कि आपने उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ ओनली व्हेन द नंबर हैव अ पावर ऑफ 2। जब किसी भी नंबर के ऊपर 2 पावर होगी, तो आप उसे 2 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s are 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट, एंड टुडेज होमवर्क असाइनमेंट इज डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑन बुक पेज नंबर 164, एंड डू क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट C and D ऑन योर नोटबुक फ्रॉम बुक पेज नंबर 167। All of you should have to complete your assignments because marks will be awarded on behalf of these submitted assignments. It's time to wind up the class. Inshallah, we will continue this topic in next video. Till then, take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.